आपसे बात करूंगा। ये जो डिसोल्यूशन हमने फैसला किया असेंबलीज का, पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि आप फ्लोर खोल देंगे क्वेश्चंस के लिए। लेकिन जो मैं चाहता हूं कि आपसे इसके बाद भी मैंने आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो मैं पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको बता दूं कि ये हमने मैंने फैसला क्यों किया असेंबलीज रिजॉल्व करने का, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपने सवाल करें मेरे से। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि मैंने संडे से मैं डिवीजन वाइज आपको अलहदा भी मिलूंगा, इधर आप मेरे पास आएंगे जमान पाक, तो उधर भी हम फिर इसके ऊपर मजीद और भी बातचीत कर सकेंगे, जो कि मैं अभी इतनी बड़ी मीटिंग में जाहिर है सारे सवाल नहीं कर सकते। तो मैं छोटे छोटे आपकी डिविजन्स में वो आपसे मीटिंग भी करूंगा, ताकि हम पूरी तरह तैयारी कर लें जब हमने ये असेंबली डिजोल्व करनी है। मैं सबको ये वाजे कर दूं कि परवेज अलाई साहब ने, सीएम साहब ने मुझे पूरे इख्तियार दे दिए हैं कि जब भी मेरा फैसला होगा असेंबली डिजोल्व करने का जिस दिन, तो वो मैं कर सकता हूं। उन्होंने मेरे पर पूरा मेरे हाथ पे ये छोड़ दिया। तो ये अखबारों में पेशेंट गोलियां चल रही हैं कि जी वो क्यू लीग मानेगी या नहीं मानेगी, ये इशू खत्म हो गया। वो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने बिल्कुल जो मेरा फैसला है उसके ऊपर उनको एतमाद है, और उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिए हैं कि मैं जब फैसला करूंगा असेंबली डिजोल्व करने का। अच्छा, अब मैं आप सबको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ये फैसला क्यों किया। देखिए, इलेक्शन अगर अपना पूरा टाइम पे हो जाता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा ही फायदा है। अगर ये अगस्त में या सितंबर में इलेक्शन चला जाता है तो हमारी पार्टी की तो मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जिस तरह की ये गवर्नेंस हो रही है, जिस तरह माशी हालात तबाह हो रहे हैं, और मैं अभी उसके ऊपर आने लगा हूं, जिस तरह ये पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए हैं, तो इनका तो अब कोई चांस ही नहीं है, इनके पास तो कोई तरीका ही नहीं है कि अपने आप को उठाने का। तो वो तो और पब्लिक के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो गया कि एक आवाम किधर खड़ी हुई है। तो हमें तो कोई नुकसान नहीं है, ये जितनी देर चलते जाते हैं सारी दुनिया को पता चल गया कि वो पंजाब स्पीड क्या चीज थी, वो सारा जो ये लोगों को मीडिया के जरिए इश्तिहारों के जरिए ये इंप्रेशन दिया हुआ था कि ये कोई बड़े समझदार लोग हैं, वो तो अवाम के सामने एक्सपोज हो गए। लेकिन मसला इस वक्त पाकिस्तान का है। सबसे पहले मसला है कि पाकिस्तान, जिधर ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी को फिक्र होनी चाहिए। जिस पाकिस्तानी का जीना मरना पाकिस्तान में, जिसने मुल्क से बाहर नहीं भाग जाना, जिसने बड़े बड़े लंदन में अपार्टमेंट्स नहीं लिए हुए और बड़े बड़े घर नहीं लिए हुए यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके, जिनके बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, जिन्होंने यहां से बाहर रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बाहर के मुल्कों में, उनके अलावा जो पाकिस्तानियों ने यहां रहना और बनना है, उनके लिए तो ये वो हालात क्रिएट कर रहे हैं कि ये जब जाएंगे तो खुदा ना खास्ता यहां तो हालात वो हो जाएंगे जो भी गवर्नमेंट आएगी वो संभाल नहीं सकेगी। मैं आपको सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर मोटी मोटी बात करता हूं। पहली चीज ये है कि हमारा मसला ये है कि हमने, इन्होंने जो 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए थे 2008 और 2018 के बीच में, ये जो छोड़ के गए थे 4 गुना ज्यादा 10 साल में कर्जे बढ़े थे। ये समझ जाएं कि 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का 6000 अरब रुपए टोटल कर्जा था, और 2008 में, और 2018 के अंदर वो पहुंच गया था 30 ट्रिलियन रुपया। तो 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा, और जब कर्जा बढ़ा तो उसके ऊपर अब हमें सूद देना पड़ता है। तो पाकिस्तान का अब हालात ये है कि अगर हमारी माईशत बढ़ती नहीं है तेजी से, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, अगर इस मुल्क की इकोनॉमी बढ़ती नहीं है,
और अगर वो इकोनॉमी सुगड़नी शुरू होती है तो वो कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने कर्जा वापस कैसे करना है? ये ऐसी है कि घर के ऊपर अगर कर्जा चढ़ा हो, अब वो घर कैसे वो कर्जा वापस करेगा? आमदनी बढ़ाएगा, आमदनी बढ़ाएगा तो वो कर्जे वापस करेगा। अगर घर की आमदनी गिरनी शुरू हो जाए तो कर्जे तो वही के वहां सूद लगता जाएगा, कर्जे बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं, हमने कर्जे की किस्तें अदा करनी है, और अगर हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो वो किस्तों में हमारी कैपेसिटी आमदनी किस्त वापस करने के लिए वो कम होती जाएंगी। तो नंबर वन मसला अब इस वक्त मुल्क का क्या आ रहा है कि जो हमने अपने दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाई थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, आईटी को हम तेजी से ऊपर लेके जा रहे थे जो कि मुस्तकबिल है, टेक्नोलॉजी तो मुस्तकबिल है ना दुनिया का, सबसे ज्यादा पैसा तो अब टेक्नोलॉजी में आता है आईटी के अंदर, तो वो भी पहली दफा पाकिस्तान में 75% हमारी वहां एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, 32 अरब हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, 31 अरब रिकॉर्ड हमारी रेमिटेंसेस थी, और टैक्स कलेक्शन हमारी रिकॉर्ड थी 6.1 ट्रिलियन यानी 6,100 अरब रुपया। तो हर तरह हम आमदनी बढ़ाते जा रहे थे और उससे हमने आपकी किस्तें देने का हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी, और इंशाल्लाह अगर हमें आगे भी मौका मिले तो हमने कैसे मुकाबला करना, अपनी आमदनी बढ़ा के जो 6% ग्रोथ रेट थी हमारी चौथे साल और 5.7% ग्रोथ रेट थी तीसरे साल कोरोना के बावजूद, ये 17 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की। तो जब ग्रोथ रेट बढ़ती है तो आप कर्जों आपके पास पैसा होता है कर्जे वापस करने में, और जो हमारी ये भी याद रख लें कि 17 साल में सबसे ज्यादा ज़राअत के अंदर हमारी ग्रोथ हुई थी 4.5%, ये 17 साल के बाद थी। तो आमदनी तो हमारी बढ़ती जा रही थी, इन्होंने क्या किया आते साथ ही? इन्होंने आते साथ ही पहले तो जैसे इन्होंने आते साथ फैसले किए, मार्केट्स के अंदर पैनिक फैल गई। मार्केट्स ने वो बड़ी तेजी से देखती हैं कि इनके इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं लेके आए, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है कि पैसे वापस कैसे करने हैं। और जैसे ही ये हुआ हमारी वो गिरनी शुरू हो गई, हमारी मार्केट के अंदर रुपया गिरना शुरू हो गया और मार्केट्स पीछे हटना शुरू हो गई। और ये मैंने पहले 1 जून को इंटरव्यू दिया था उसको समी इब्राहिम को, जिसमें मैंने कहा था कि क्योंकि इनके पास अब प्लान नहीं है, मुझे खतरा ये है कि ये मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि अगर इकोनॉमी सुकड़नी शुरू हो गई तो हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। और मैंने तब प्रेडिक्ट किया था ये आपसे तकरीबन आप सोचते 6 महीने पहले कि ये जिस तरह जा रहे हैं ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और डिफॉल्ट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट कर जाएं तो मुल्क उधर पीछे चला जाएगा, और अगर किसी ने बेल आउट भी करना हुआ तो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, वो खतरे में चली जाएगी। तो बड़ा इन्होंने शोर मचाया कि जी देखें इमरान खान को गद्दार मुझे कह दिया, और असेंबलियों में बड़ा शोर मचाया। तो आज सारी दुनिया कह रही है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने 7 महीने के अंदर मुल्क से जो किया है वो दुश्मन भी ना करे, सबसे पहले तो जो कैपेसिटी थी पैसे वापस कर्जे वापस करने की वो गिरनी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई, रिमिटेंसेस थी वो गिरनी शुरू हो गई। इन्होंने जब डॉलर को रोका, उसकी जो असल वैल्यू है तो जो डिफरेंस था डॉलर में और मार्केट रेट में, जो ऑफिशियल रेट और मार्केट रेट में जितना वो बढ़ा, रिमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई, ओवरसीज पाकिस्तानीज का एतमाद उठ गया। और उसके बाद आज यह हालात है कि इंटरनेशनल मार्केट्स का एतमाद उठ गया। जो CDS एक होता है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी कर्जे वापस करने की, ये जो CDS ये हमारे दौर में 5% था कि खतरा है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता, वो 5% था, आज 100% से ऊपर चला गया। कि मतलब ये कि बाहर की दुनिया अब समझती है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ
88% पाकिस्तान की बिजनेस या इन्वेस्टर्स ने कहा है कि उनको इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है। तो ना अंदर एतमाद है ना बाहर के मुल्कों को एतमाद है। और इनके पास अब रोड मैप क्या है कि अब इन्होंने इनके पास क्या तरीका है कि मुल्क को इस इल से निकालेंगे? कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। आज जो इसहाक डार ने आके शुरू में कहा मैं मूडीज को भी ठीक कर दूंगा तो IMF को भी ठीक कर दूंगा, आज वो चुप करके बैठ गया है क्योंकि कोई बाहर से लोग इन पाकिस्तान में ना इन्वेस्ट करेंगे ना बाहर के कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान को कर्जे देंगे क्योंकि पाकिस्तान का जो रिस्क है आप डिफॉल्ट की वो 100% से बढ़ गई है। और दूसरी तरफ जब अंदर भी लोग इन्वेस्टिंग करेंगे तो टैक्स कलेक्शन अब गिरने शुरू हो गई है, इनकी आमदनी कम शुरू हो गई है। और इंडस्ट्री ये याद रखें कि जो सबसे बड़ा हमारा कारनामा था, हमारा जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो 10.7% पे थी, ये भी कोई 17-18 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, जिससे नौकरियां मिल रही थी, जिससे अब फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेबर नहीं मिल रही थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। आज वो इंडस्ट्री आ गई है 1% पे, हमारे दौर में 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, आज आ गई है वो समझता है कि 1% से भी कम हो गया, इसका मतलब बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी। और उसके ऊपर जो ज़राअत है, जो किसान है, आज किसान सड़कों के ऊपर थे, क्यों थे? क्योंकि किसानों के ऊपर जो चीजें हमने जो उनका फायदा करवाया था, हमने जो किसानों को पैकेज दिया था जिससे हमने इंश्योर किया था कि उनके उनके जो उनको मुनाफा हो, उनकी आमदनी बढ़े, हमने जो शुगर मिल्स को दबाया था कि आपने सही टाइम पे क्रशिंग करनी है, फिर किसान को सही टाइम पे पैसे देने हैं और पूरे पैसे देने हैं, तो उसकी वजह से जब किसान की आमदनी भी बढ़ी और उसके बाद उसके पास जब प्रॉफिट्स हुए, उसने अपनी जमीन पर लगाया, इसलिए हमारे ज़राअत में 4 बम्पर क्रॉप्स हुई थी, जो मेन 2 साल जो मेन हमारी जो हमारी क्रॉप्स है। तो आज किसान इसलिए रो रहा है कि डीजल की कीमत कहां से कहां चली गई। और मैं डीजल का ये भी बता दूं कि डीजल और पेट्रोल हमारे दौर में 150 रुपए के ऊपर 1 लीटर था। और याद रखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस वक्त तेल की कीमत 105 से 110 डॉलर थी पर बैरल, आज वो नीचे आके 80 पे पहुंच गई है, 80-81 पे। और आज डीजल पहुंच गया है 235 पे, पेट्रोल पहुंच गया 240 पे या 44 है। रुपया हमारे दौर पे जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो 178 का डॉलर था, आज इनकी ऑफिशियल रेट को छोड़े मार्केट के अंदर 245-250 रुपए पे डॉलर नहीं मिल रहा। तो हुआ क्या उससे? उससे जो कीमतें हैं, जो सारी कॉस्ट है वो ऊपर चली गई हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है, महंगाई की वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है। आप पूछे हर जगह गाड़ी मोटरसाइकिल गाड़ी स्नैच करने के लिए ये हर जगह स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, गालियां तो इनको पड़ रही है, लेकिन मुल्क बैठता जा रहा है। और हम अगर अभी अपने मुल्क के लिए इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी। और इनके पास कोई तरीका नहीं है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का या इन्वेस्टमेंट लाने का या कोई मदद करे बाहर से। लिहाजा ये जो हम असेंबलीज का हमने फैसला किया डिसॉल्व करने का, इसका सबसे पीछे मकसद पाकिस्तान है कि हमारे मुल्क की इस वक्त जरूरत है कि हम जल्दी से इलेक्शन में जाएं, इसलिए कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जब आएगी, जब मार्केट्स को बाहर भी अंदर भी एतमाद होगा कि अब हुकूमत आ गई 5 साल के लिए, तो उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर अगले लोग प्लानिंग करेंगे। जो सरमायाकार है, जो इन्वेस्टर है, वो ये हमेशा सोचता है कि मैं अगर अपना पैसा लगाऊंगा तो मुल्क में 1 साल 2 साल 3 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि एकदम तो उसको नफा नहीं मिलना शुरू होता। तो जब उसको एतमाद ही नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट कितनी देर चलेगी, आगे क्या होगा, तो वो फिर पैसे रोक के बैठ जाता है, जो आज पाकिस्तान में हुआ है।
तो इसलिए इलेक्शंस करवाने ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला है सूबों के अंदर हमारे जो सूबाई हुकूमतें हैं। अभी केपी के वालों से भी मेरी बात हुई है, वहां महमूद खान से, यहां पंजाब की ये बैठे हुए हैं आपके सामने मोहसिन नगारी, ये आपको बताएंगे हालात क्या है। पंजाब में गालिबन 176 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है जो उन्होंने सेंटर ने देनी थी नहीं दी। पख्तूनख्वा छोटा सा सूबा है, वहां 120 अरब रुपए इन्होंने देने थे, वो शॉर्टफॉल आ गई है सेंटर से। और यही आज गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं तो वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, आजाद कश्मीर में चले जाएं तो वहां के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पैसे नहीं दे रहा सेंटर। मैंने सुना बलूचिस्तान के अंदर भी यही मसला है, वो भी कह रहे हैं कि उनको जो सेंटर से पैसे मिले वो नहीं मिले। पख्तूनख्वा छोटा सूबा है, वहां ये मसला आ गया, वो अपने लोगों की सैलरीज नहीं दे सकते, प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं वहां। तो एक तरफ तो मुल्की माशत नीचे जा रही है, दूसरी तरफ सूबों के अंदर क्राइसिस आ गया कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं अगर हमारे प्रोजेक्ट्स ही नहीं पूरे होंगे जो हम परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे, वो दूसरा एक खौफ आ गया सूबों के अंदर। तो इसलिए ये सब कुछ देखते हुए ये मैंने फैसला किया था कि इस वक्त हम या तो ये होगा कि ये हमारे साथ बैठे और ये सोच लें कि तकरीबन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा पख्तूनख्वा और पंजाब का, अगर ये डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। तो क्या ये मुल्क और बाकी वैसे रुक जाएगा काम, क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं जो ये अभी बैठी हुई हैं 12-13 पार्टीज पीडीएम की, इन सारों ने भी इलेक्शन में निकल जाना है तो गवर्नमेंट तो फ्रीज हो गई फेडरल गवर्नमेंट। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। तो एक तो ये आपके इनके लिए, ये इनके लिए है बैठने के लिए निगोशिएट, क्योंकि अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। सिर्फ एक वजह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है, तो ये डरे हुए इलेक्शन से और उसके लिए इनको कोई फिक्र नहीं है मुल्क की। अभी तक जो इनका रोड मैप नजर आया, मैं ये भी आपके सामने रख दूं, इनका रोड मैप क्या है? मायशत के अंदर तो तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो इनका तो कोई अभी तक नजर ही नहीं आया कि ये कैसे निकालेंगे हमें वहां से। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि हमारे ऊपर केसेस करें, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। वो आसिफ जरदारी ने तो गालिबन कह ही दिया, मुझे भी बताया गया कि उसने तो कहा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें या जेल में डालें। तो ये इनका बस एक प्लान है कि किसी तरह वो डिस्क्वालीफाई करें, जेल में डालें, पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस करें, हरासा करें। इसके अलावा तो मुझे अभी तक कोई रोड मैप नजर ही, और अब हाँ, और दूसरा अपने केसेस खत्म करें, अपने केसेस के ऊपर। ये जो 1100 अरब रुपए का डाका मारा गया इस मुल्क के ऊपर, इन्होंने कानून चेंज करके नैब के असेंबली में बैठ के इन्होंने सारों ने अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं। तो इनका तो ये रोड मैप है कि अपनी चोरी की केसेस खत्म किए जाए और किसी तरह हमें डिस्क्वालीफाई करके रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि इलेक्शन ही आप लड़ नहीं सकते। तो इसके अलावा तो इनका कोई रोड मैप है ही नहीं। और इसलिए हमने ये फैसला किया कि बजाय अब हम, क्योंकि इन्होंने तो बैठना नहीं है इलेक्शन के लिए, मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा, लिहाजा ये हमने फैसला किया। मैं फिर से आपको कह दूं कि कोई हमारे साथ काफ लीग मुकम्मल तौर पर खड़ी है, उनकी टोटल बैकिंग है। उन्होंने मुझे चौधरी परवेज अलाई ने मुझे बिल्कुल आके पूरी एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूंगा उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व कर देनी है, असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो हमारे पास वो पूरी ऑप्शन है। मैं सिर्फ आपको मैं सिर्फ बारी बारी डिवीजन वाइज आपसे भी मैं सबसे बात करूंगा ताकि आप सबको क्लैरिटी हो जाए इस पर, ताकि आप सब ऑन बोर्ड हो जाएं। मैंने सिर्फ आपको ये ओपनिंग इसलिए की थी आपको बताने के लिए कि मेरा क्या माइंड सेट है इस फैसले करने के लिए। और
मैं अब चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल आते हैं, लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, सबके सवाल मैं नहीं